बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज की पोएम जो है जो बीए सिलेबस में से है, इसका नाम है वुमेन वर्क, और इस पर जो है माया एंगेलू की लिखी हुई है। शी वाज अमेरिकन राइटर, अमेरिकन पोइट। और ये नज़म जो है इसकी कुछ खास बातें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो थीम जो है वो बहुत ही कॉमन सा है। एक आमतौर पर खवातीन जो घरेलू काम काज में मशगूल रहती हैं, उनको ये गिला होता है कि उनकी काम बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और ये कि उनके काम काज की कोई कदर नहीं की जाती। तो ये जो है खवातीन का ये गिला जो है इसको हाईलाइट इस नजर में जो किया गया है। नॉर्मली खतून जो है जो ये जो माया एंगेलू जिसने ये पोएम लिखी है, उसने ये कहा है उसको बहुत सा काम करना पड़ता है, तो इस काम से रिहाई जो है मर के ही उसकी जान छूट सकती है, तो इसलिए वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, चांद सूरज तारे, इनको आवाजें देती है कि तुम मुझे यहाँ से उड़ा के ले जो, मतलब ये वो मरने की ख्वाहिश कर रही है, यानी ऐसी दुनिया में चल जाए जहाँ पे कोई काम काज नहीं होता। तो जो एक घरेलू खतून है, जो फैमिली मेकिंग खतून है, उसकी जो बड़ी खुशी जो होती है वो तो अपने बच्चों में ही होती है, अपने घर में ही होती है। तो वो अपने घर के काम काज को खवातीन अक्सर जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं। हमारे यहाँ चूँकि अभी तक फैमिली सिस्टम जो है वो चला आ रहा है, तो ये है कि खवातीन जो हैं अपने मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, और वो इस बात को समझती हैं कि घर से बाहर जो दुनिया है वो मर्दों की होती है और मर्दों के करने के बहुत से काम होते हैं, और यकीनन उनके मर्द जो हैं वो बहुत मेहनत मशक्कत करके जब घर आते हैं तो आगे उनको जो है जैसे एक अच्छा वेलकम मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। यहाँ की खवातीन तो इस बात को ये समझती हैं, और बच्चों का होना, उनके बच्चों के काम काज करना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको बनाना, सवारना, नहलाना, तो ये जो है खवातीन जो है उनकी एक जाती दिलचस्पी और सुकून का बायस होता है। तो क्योंकि बदलती हुई दुनिया में खवातीन जो है वो मर्दों की सी आज़ादी की ख्वाहिशमंद हो रही हैं, और इसलिए उन्होंने ये जो घरेलू जिंदगी जो है इसको खैर बात कहना शुरू कर दिया है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब एक बड़ी फैमिली को उनकी जरूरियात को पूरा करना एक बंदे के बस की बात नहीं, क्योंकि अब जो है उनका उनकी जरूरियात महज खाना पीना, सोना और काम करना तक ये महदूद नहीं रही, बल्कि उनकी जरूरियात बहुत बढ़ गई हैं। आजकल के इस दौर में टेलीविजन भी एक जरूरत बन गया, टेलीविजन भी पुराने जमाने का हो गया, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन जो हैं और लैपटॉप्स जो हैं ये इंसान की जरूरियात बन चुके हैं। तो इसके अलावा अपनी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए एक अच्छा घर होना, एक अच्छी गाड़ी होना, और फिर जो है अपने हम लेवल लोगों से मिलना मिलाना, इस तरह की जो है चीजें जो है इन्होंने जिंदगी की जरूरियात जो है वो बहुत बढ़ा दी है, और जिंदा रहना बहुत महंगा हो गया हुआ है। तो ये एक बंदे के पास की बात नहीं है। तो अब खवातीन जो है उनकी भी अब अपने तौर पे उनकी भी जरूरियात जो है वो बढ़ गई है। अब वो जो है खाना पीना और कपड़ा जो है और छोटा सा घर, यहाँ तक उनकी जरूरियत महदूद नहीं है। उनको भी अब पार्टियों में जाना आना उठना, पहले तो बरादरी हुआ करती थी, अब सोशल लाइफ है, सोशल गैदरिंग है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना उनका बहुत जरूरी हक बन गया हुआ है। तो इसलिए अब ऑलमोस्ट खवातीन जो है आधी घर की और आधी बाहर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगरचे वो काम ना भी करें, बच्चों की फीसें जमा कराना और डिपार्टमेंटल स्टोर से सौदा सल्फ ले आना, फल फ्रूट खरीद लेना, सब्जियां खुद खरीद के लाना, और क्योंकि अब जो उनके मर्द हैं
उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, 8 घंटे काम करने की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ता है उनको, तो उनकी आउटडोर जो है वो ज्यादा बढ़ गए हैं, तो घरेलू काम काज जो है वो, या फिर ये कि उनकी जो वो समझती हैं कि ज्यादा अच्छी सब्जी वो खुद खरीद सकती हैं। इसके अलावा शॉपिंग का जो एक डिपार्टमेंट है, इसमें भी खवातीन जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हैं। तो ये जो है एक फितरी बात तो औरत के लिए यही है कि घर, बच्चे और उनका काम भी है, उसको कोई बारी नहीं होता, उसमें कोई खुशी होती है, उससे कभी वो फरार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं करती। और जिस औरत के पास घर नहीं होता, वो जरूर इस बात को समझती जरूर है कि उसका एक घर होना चाहिए और घर में वो उसका मर्द है कमा कर लाए और वो उसको खिलाए। तो ये चीजें हैं, ये ताहम जो औरतें जिनके घर नहीं है वो घर की अहमियत को समझती हैं, और जिनके पास घर है उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो घर से बाहर की जिंदगी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो एनीवे, ये जो तनकीद है ये बहुत सादगी से की गई है। एक खतून है, उसको घर के लैंग्वेज बहुत सादा है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सादा अल्फाज है, बहुत सादा पैगाम है। हाँ, ये बात है उसकी जो उसने जो ख्वाहिश की है कि वो इस दुनिया से छुटकारा पा ले, इन कामों से छुटकारा पा ले, और वो मरने की ख्वाहिश करती है इनडायरेक्टली इस तरह से कि चांद सूरज तारों से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से आजाद करा के अपने पास ले चलो। तो ये जो है, हाँ, मैं नज़्म को पढ़ने लगा हूँ। I have got the children to tend, मुझे बच्चों की देखभाल करना पड़ती है, the clothes to mend, कपड़े जो हैं उनको उनकी मरम्मत करना पड़ती है या उनको सीना परोना पड़ता है, the floor to mop, फर्श साफ करने पड़ते हैं, the food to shop, और दुकान से सौदा सलब खरीद के लाना पड़ता है, मतलब उनको जो है इस तरह की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना पड़ता है। तो दे चिकन टू फ्राई, ये खतून कहती है जो खाना पकाना पड़ता है, चिकन फ्राई करना पड़ता है, द बेबी टू ड्राई, और साथ साथ बच्चा रो पड़ता है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं तो उसको भी ड्राई करना पड़ता। आई गॉट कंपनी टू फीड, मुझे घर के सारे अफराद के लिए खाना, उनको खाना खिलाना पड़ता है, उनके लिए खाना तैयार करना पड़ता है, द गार्डन टू वीड, और इसके साथ साथ जो बगीचा है उसमें भी जो है सफाई करना पड़ती है, जो घास फूस है उसको साफ करना पड़ता है, द गार्डन टू वीड, और बाग में सॉरी बगीचे में भी काम करना पड़ता है, आई गॉट द शर्ट्स टू प्रेस, और मुझे कपड़े प्रेस करना पड़ते हैं, द टॉट्स टू ड्रेस, हाँ टॉट्स यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को लिबास पहनाना पड़ता है, दे कैन टू बी कट, और मुझे जो सरकंडे हैं काने जिसे हम कहते हैं वो भी काटने पड़ते हैं, ये लंबी घास है, आई गॉट टू क्लीन अप द सेट, और मुझे इस सारे घर का काम करना पड़ता है, इस सारे घर को साफ सुथरा रखना पड़ता है। तो ये जो है खातून जो है ये रोजाना एक जैसे काम कर करके तंग आती है, तो ये उसकी ख्वाहिश जो है कि कभी कभी उसको घुमाया फिराया जाए और बाहर ले जाया जाए, और ये उसकी ख्वाहिश है, ये वजह है, लेकिन ये कि घर के कामकाज को छोड़ के फरार हासिल करना, ये उसकी ख्वाहिश है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं, और ये उसकी ख्वाहिश घर के लिए, बच्चों के लिए और उसके शोहर के लिए, तीनों के लिए, उसके अपने आप के लिए भी तबाहकुन साबित हो सकती है। आगे है, फिर यहाँ से वो अपने काम से फरार और मौत की ख्वाहिश कर रही है, शाइन ऑन मी सनशाइन, सूरज तुम मुझे चमको, मुझ पर चमको, रेन ऑन मी रेन, बारिश तुम मुझ पे बरसो, फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, और शबनम के कतरों तुम मुझ पे आस्ते से गिरो, एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरा माथा जी है जो शायद बुखार से तप रहा है उसको ठंडा कर दो, उसको तस्कीन और सुकून बख्शो। ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, उनसे दरख्वास्त कर रही है कि वो उसकी हेल्प करें। वैसी ही मिलती जुलती ख्वाहिश अगले भी 4 लाइनों में है, स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हियर, है तूफान तुम मुझे यहाँ से उड़ा के ले जा, विद योर फियर्सेस्ट विंड, तुम्हारी हवाएं बड़ी ताकतवर हैं, अपनी ताकतवर हवाओं के साथ मुझे यहाँ से उड़ा के ले जाओ, लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, अब मुझे इतनी आजादी दो कि मैं खुशी से आसमान पर उड़ती फिरूँ,
लहराती फिरूं टिल आई कैन रेस्ट अगेन, यानी मैं ये आज़ादी की उसकी ख्वाहिश है, मैं बिल्कुल सारे कामों से आज़ाद हो जाऊं और उड़ती फिरूं यहाँ तक कि मेरे दिल में आराम की ख्वाहिश पैदा हो जाए। आगे फिर है यही जो उसकी ख्वाहिश है उसको आगे अगली चार लाइनों में भी फिर दोहराया गया है कि फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स, बर्फ के जो रुएं जो हैं उनसे कह रही है कि तुम मुझ पे तुम गिरो, आहिस्ते से गिरो, कवर मी विद वाइट, और सारा मुझे अपनी सफेदी में ढांप लो, कोल्ड आई सी किसेस एंड लेट मी रेस्ट नाइट, तुम मुझे बर्फ के गाले जब गिरेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे बर्फ के रुएं किस कर रहे हैं, तो तुम मुझ पे गिरो, मुझे अपनी ठंडक पहुंचाओ और यहाँ तक कि मैं आराम से सो जाऊं। सन रेन कर्विंग स्काई, अब वो आखिर में ये कहती है कि वो मरने के बाद इंसान जो है ये जो जमादात हैं जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं उन्हीं जैसा हो जाता है, तो वो इस तरह से वही कह रही है कि उसका तल्लक जो है इन जो जो चीजें हैं जो जानदार नहीं है, वो कहती है कि वो उन्हीं को बिलोंग करती है, उनसे उनका तल्लक है, और ये इंसानों की जिंदगी और जो जान यानी वो लाइफ जिसमें जिसका हम एक्सपीरियंस करते हैं जिंदगी जो है जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो कोई जिंदगी नहीं है, तो वो इससे फरार हासिल करना चाहते हैं। तो सन रेन कर्विंग स्काई, वो मुखातिब करते हुए कहती है सूरज को, बारिश को, झुके हुए आसमान को, माउंटेन ओशंस लीफ एंड स्टोन, पहाड़ों को, समंदरों को, जो लीफ पत्ते और पत्थर हैं इनको पुकारती है, स्टार शाइन तारों की चमक है उसको पुकारती है, मून ग्लो चांद की चमक दमक को जो है पुकारती है, और वो कहती है यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माय ओन, तुम ही हो जिनको मैं अपना सच्चा साथी कह सकती हूँ। तो इस तरह से शायर ने जो उनको पुकारा है कुदरती ऑब्जेक्ट से इनडायरेक्टली उसने मरने की ख्वाहिश की है, तो जो बात है द विश टू डाई उसको उसने यानी एक इस ख्वाहिश पे भी एक पूरी नज़म जो है 16 ऑलमोस्ट 4 स्टैंजा जो है उसने उसने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश दैट शी विशेस टू डाई इसको इतना पेंट किया है, इतना तफसील से उसने बयान किया है और वो भी इनडायरेक्टली। तो ये जो है इसमें जो तनकीदी जायजा तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये जो ख्वाहिश है एक खतून की, खतून खाना जो है जिसको हम खतून कहते हैं, बहुत सी खवातीन जो हैं उनके मजाज जो हैं बज़ाहिर बायोलॉजिकली तो वो वुमन है लेकिन उनकी जो लिबर्टी है बोलना चलना वो जो है वो मर्दाना किस्म का हो जाता है क्योंकि उनकी सोच वैसी ही होती है और फिर वो उसी तरह से वो एक्ट या रिएक्ट करती हैं। तो ये जो उनकी जो है ख्वाहिश जो होती है आज़ादी वाली, तो ये ज़ाहिर है जो खतून घरेलू वाली घरेलू खतून है अपने बच्चों में खुश रहने वाली है उसके लिए तो मुश्किल होता है, घर की घर को उसका घर उसकी जन्नत होता है, तो वो अपने शोर से भी बेजार नहीं होती, अपने बच्चों के काम काज भी तंग नहीं होती, वो समझती है कि यही उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था, और वो इसके बगैर अगर वह ये सारे काम नहीं करती तो उसकी लाइफ अधूरी है, तो वो शी इज़ नॉट वुमन, वो एक औरत नहीं है। तो इन कामों से फरार ये औरत की फितरी ख्वाहिश नहीं है। अब जो है इनसे जो फरार की जो ख्वाहिश है यानी बाहर की दुनिया को ज्वाइन करना, ये एक मर्दाना किस्म की जो है सोच है और जो कि बहुत ही तबाहकुन साबित होती है, तो इस सोच को आगे परवान नहीं चढ़ाना चाहिए और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि मर्दों में खवातीन वाली जो है खसूसियात और औरतों में मर्दाना जो है आज़ादी की खसूसियात ख्वाहिशात ये दोनों ही ठीक नहीं है, मर्दों को मर्दों की जगह पे और औरतों को औरतों की जगह पे, नहीं तो ये दोनों अपनी शनाख्त खो देंगे, मर्द मर्द नहीं रहेंगे औरतें नहीं रहेंगी, तो अजीब सी खिचड़ी पक जाएगी। तो ये जो है ख्वाहिश ठीक नहीं है।
तो हाँ, काम अगर बहुत ज्यादा है, काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ये वाला जो उसका गिला शिकवा अगर तो इस तरह का है, तो वो बजा है एक खतून जो घर के काम करती है उसकी काम को की अहमियत को समझना चाहिए। वो घर में वैसी ही जिम्मेदारियां उसकी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट होती है, अगरचे वो कमा के नहीं लाती है, तो अगर उसका एक मुकाम भी है वो बहुत ही ज्यादा है। ये बात दुरुस्त है, ऐसे सारे बच्चों को संभालना, पालना और उनको बर्दाश्त करना, ये एक औरत की बर्दाश्त बहुत ज्यादा होती है मर्द के मुकाबले में। मर्द ताकतवर होता है और औरत भी है, उसकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा होती है, तो ये बात जो है ये मानने वाली है। तो उसके काम को, उसकी जफाकशी को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, औरत को गुलाम नहीं समझना चाहिए, औरत गुलाम नहीं होती है, वो अपने अपने जो है जगह पे सही काम कर रही होती है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो इस तरह से इस खतून की ये ख्वाहिश, आजादी वाली, मौत की ख्वाहिश, काम से फरार, ये ठीक नहीं है। और साथ साथ उसके काम का अगर अगर वो इग्नोर हो रहा है तो इट शुड नॉट बी, उसको भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब इसका जो है फॉर्म के लिहाजियत मैंने बता दिया है, शायद क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है ये भी मैंने बता दिया है, और अब जो है वो किस अंदाज में कह रही है, तो ये देखें, ये खूबसूरत पोएम है, इसमें एक राइमिंग स्कीम है, छोटे छोटे जो है इसकी लाइनें हैं। आई हैव गॉट दी चिल्ड्रन टू टेंड दी क्लोथेस टू मेंड, तो पहली लाइन है उसमें ज्यादा सिलेबल्स हैं, दूसरे वाली में कम है, और तीसरी चौथी आई थिंक दे हैव द सेम, द फ्लो टू शॉप द फूल टू मॉप। अब ये देखें कितने हम वजन, ये दोनों लाइनें हैं, द फ्लो टू शॉप द फूड टू मॉप, द फ्लो टू मॉप द फूड टू शॉप, तो ये जो है इसमें रिदम का एस्पेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द चिकन टू फ्राई द बेबी टू ड्राई, बहुत खूबसूरत वजन है लाइनों का, और अल्फाज जो है बहुत सिंपल है। पोइट्री में अक्सर जो है, क्योंकि ऐसी समझदारी वाली बातें की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, अकलमंदी वाली बातें की जाती हैं, गहरी बातें होती हैं, ना समझ आने वाली बातें होती हैं वो की जाती हैं, जिनको हम फलसफा कहते हैं, अनबिलीवेबल ट्रूथ होती हैं, यानी दानिशमंदी फ्राहम करने वाली बातें होती हैं। तो ऐसी बातें चूंकि समझ से बालातर होती हैं, तो इसके लिए लैंग्वेज भी, लैंग्वेज अगर सिंपल होगी तो फिर आइडियाज भी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो जाते हैं, दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो इसकी वो वाली बात जो है कि लैंग्वेज जो है वो सादा है, और रिदम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिक्शन कमाल की डिक्शन है, जिसमें कोई शक शक नहीं, सिंपलिसिटी के हवाले से ये एक बहुत अच्छी नजम है। आई हैव गॉट, हमने इससे पहले पढ़ी थी द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, वो भी एक सादा नजम थी, लेकिन उसमें रिदम, म्यूजिकल रिदम जो है वो एलिमेंट जो है वो नहीं था। अब इसमें आई हैव गॉट द शर्ट्स टू प्रेस द टॉप्स टू ड्रेस द केन टू बी कट द फूड आई हैव गॉट टू क्लीन अप दिस हट, तो इसमें कुछ कुछ लाइनें जो हैं वो वजन से बाहर हो रही हैं, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो हमें नहीं मिलता, तो हम आगे जो बाद की लाइनें हैं, शाइन ऑन मी सनशाइन, रेन ऑन मी रेन, ड्रॉप सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स एंड कूल माई ब्रो अगेन, इसमें बहुत अच्छा रिदम पाया जा रहा है। एंड सो इज इन द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड सो इज इन द नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में भी ऐसा ही है, या सन रेन कर्विंग स्काई माउंटेन ओशन लीफ एंड स्टफ, तो इसमें भी दिखने में लाइनें जो हैं वो बड़ी छोटी हैं, लेकिन ये हम वजन है, और ये नज़म इस म्यूजिक के हवाले से, रिदम के हवाले से बहुत अच्छी नज़म है, और हमें ये इसकी खूबी है। बाकी थीम, इसका जो थीम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, खतून की ख्वाहिश के वो आज़ादी हासिल कर ले, दिस इज नॉट वेरी स्ट्रांग, क्योंकि घर से बाहर औरत की जिंदगी महज खुवारी वाली जिंदगी होती है, और मर्द का जो है घर बैठे रहना, घर में जो है घर के कामों में मसरूफ रहना और औरत का काम ना करना, ये दोनों ही अच्छी ख्वाहिशात नहीं है। तो मैं किस मकसद से दिस इज, इसके आखिर में जो है वो नोट्स दिए हुए हैं, लेट्स गो दिस आगे, माया गैलू रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, अमेरिकन ये पोएट के बारे में है। American born in the centuries of 4 April 1928 and educated at schools in Akan,
Kansas and California. So recently she died 2014. I was reading somewhere. So idea of the poem, the woman gives vent to her disgust for the dull, drab life of doing domestic chores, but the drudgery of the mechanical routine has not suppressed her capacity to indulge in dreams of an ideal life. She yearns to participate in nature around her. She longs for the blessings of sunshine and rain and to give her sustenance and strength to live. She wishes to lose and find herself in nature and mountains, oceans, leaf and stone, starshine, moon glow, and to give a touch of joy and poetry into her ordinary prosaic life. ये जो आखिर में जो ideas जो बयान किया गया है कि वो उसको जो है ये ख्वाहिश है कि वो पहाड़ों पे समुद्रों के किनारे इस तरह से घूम फिरे ये मेरी समझ से में ऐसे नहीं है क्योंकि इस ये खतून जो है इसको कैद करके नहीं रखा हुआ ये बाग में भी काम करती है इसका घर भी है ये जो है बच्चों में भी रहती है कपड़े भी धोती है तो ये अपने कामों में मसरूफ है तो ये कह नहीं सकते कि शी इज नॉट कन्फाइंड एंड डूइंग नथिंग तो अगर वो कैद में हो तो वो ख्वाहिश करे कि मैंने आज़ादी की ख्वाहिश करे तो वो समझ आती है तो ये है मेरे ख्याल में जो अपने काम से उताहट का इजहार है और मरने के बाद ये टू बी पार्ट ऑफ द नेचर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सनशाइन मून स्टार्स वगैरह जो कि जिनकी ऑलमोस्ट अनएंडिंग लाइफ जो हमें मालूम होती है उसके बाद हैं सेंट्रल आइडिया है सेंट्रल आइडिया देयर इज टू मच वर्क एंड देयर इज द वुमन हु विशेस फॉर द डेथ reference these lines have been taken from the poem A Woman Work written by Maya Angelou this is the reference and the context you can try public technique the poetess feels extremely bold and tired after attending to her household affairs she feels that only as a natural phenomena can exercise a healthy influence on her the natural objects can save her from unbearable boredom and can raise her spirits. A household woman remains awfully busy with the domestic chores. Even then, she can enjoy nature through her imagination. It is an indirect praise of the woman's greatness. In general, the poem is an escape from the drudgery of the mechanical routine and taking shelter in ideal life. ये अब जो है कॉन्टेक्स्ट जो है ब्यूटीफुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है आप इसको याद कर लें तो अगर इस पोएम से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आ सकता है आ जाता है तो आप इनको इसी तरह से लिख सकते हैं यूज कर सकते हैं दैट्स वेरी गुड स्टैंजा वन में द वुमन सेज इन दिस लाइंस द पोएट्रेस गिव्स वेंट टू हर फीलिंग्स फॉर हर डल एंड बिजी लाइफ शी इज टायर्ड ऑफ द रूटीन वर्क ऑफ अ वर्किंग वुमन She says that she has to look after her children at home. She has to repair clothes of the members of her family. And she has to clean the floor of her house and has to collect edibles from the shop for her family. After that, she has to cook those things which she has brought from shop. And stanza two, and these lines are a continuation of her domestic chores. She has mentioned some of the chores in the previous stanza and of some tasks here. She says that she has to cook chicken for the family. Also, she has to dry the baby after bathing it. After that, she has to prepare meal for her guests. She has to remove unwanted plants from the garden, from her garden. She has to press the clothes of her children and other members of her family. She has to dress her little children and also has to cut bamboos. She has to clean the whole house. All these chores are quite tough and require courage.
and for forbearance on the part of a domestic woman. And stanza three, in these lines of the poetess wants to enjoy the natural objects. She has got tired of the domestic work and wants to go close to nature. And she says that the sunlight should shine on her, rain should fall on her, the dewdrops should gently fall upon her. All these things can cool her brow. All these natural objects can give her satisfaction and peace. And in stanza four, the lines are an expression of her escapism from the busy life of a working woman. The domestic people remains, a domestic woman remains often busy and dreams of an ideal life. In these lines, she asks the storm to blow her from the busy world across the sky with its stormy wind. As such, she will be able to get relief from the hurly-burly of life. She asks the storm to take her to an imaginary world for rest. Only imagination can give her peace, solace, and satisfaction. Otherwise, physically, it is not possible to run away from this world. Shelley in Ode to the West Wind says, "Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed." So reference to the Shelley doesn't seem to be very befitting here, both the munasab mujhe to nahi laga, theek hai, agar se ke ideas to bilkul milte julte hi hain dono mein, lekin bahut contrast bhi hai, kyunki Shelley jo hai wo kehta hai ki cheez usko uthaye taaki wo dobara jo hai is musibat mein gir pade. Thorns of life. So this I'm just referring to the bleeding, but fatun bhi hai ye to piche mud ke nahi dekh rahi, ye to keh rahi hai ki usko azad kara lenge aur wapas nahi aane denge. Stanza five, and this stanza aur wo jo Shelley wala reference hai ye na hi likhe to behtar hai kyunki isne mujhe to padhte hue iska maza kharab kar diya. Our stanza five, this stanza is also an expression of taking relief and refuge with the natural objects. She asks the snowflakes to fall gently on her body and completely cover it up and make it all white. When she will be completely under the charm and burden of the white snow, she will get solace. She further asks the snow to touch and to give her cold icy kisses, so that she may be able to have rest that night. Actually, the natural objects can please a person and give company for some time. Stanza five, in these lines, the poetess addresses all the natural objects to help her in giving relief from the busy life of a working woman. She wants to lose herself among the natural objects. That is why she asks the sun, rain, the curving sky, the mountains, the ocean, the leaf, and the stone to give her relief. Actually, she wants to get relief and joy from all these things and wants to run away from dark and dull life at home. That is why she asks the moon to glow, the shining stars to give her shelter with them. She calls all these things her own because she wants some leisure and satisfaction in these natural things. Nature can give delight to her and can transport her to peace and tranquility. So this is the ideas, main ideas that many of you have told you in Urdu as well as in English, the poem I have read for you. उसकी मीनिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. आई होप व्हेन यू स्टडी दिस पोएम फॉर द एग्जामिनेशन दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर योरसेल्फ. इफ फर्दर यू नीड हेल्प यू कैन कॉल मी और देन यू हैव माय नंबर विद द वीडियो एंड इन द एंड आफ्टर मी जो फॉर्मल रिक्वेस्ट इफ यू हैव नॉट येट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट फ्रॉम अस. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. हैव अ नाइस टाइम. गुड बाय.